जय हिंद। जज साहब की पत्नी और उनका बेटा घर पर बैठकर प्लान बनाते हैं कि कहीं घूमने चलते हैं। अब इसी बीच में उन्हें याद आता है कि उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी, इसके लिए मार्केट जाने का प्लान फाइनल हो जाता है। इसके बारे में ड्राइवर को जानकारी दी जाती है। अब गाड़ी तैयार हो जाती है और वो मार्केट पहुंच जाते हैं। मार्केट में जैसे ही शॉपिंग पूरी होती है, वो गाड़ी के पास आते हैं, तभी उनका अपना पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी सुरक्षा कर्मी उन पर गोलियों की बौछार कर देता है। जज साहब के बेटे पर 3 गोलियां बरसाई जाती हैं और उनकी पत्नी पर 2 गोलियां मारी जाती हैं, जिसके बाद दोनों की मौत हो जाती है। इस घटना के बारे में जो कोई सुनता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। जज साहब की तो जैसे जिंदगी ही तबाह हो गई थी। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। अक्टूबर का महीना है और तारीख है 13, दिन शनिवार का है। जज कृष्णकांत की पत्नी और बेटा घर पर मौजूद हैं। अब दोनों सोच रहे हैं कि आज शनिवार है, वीकेंड है, किया जाए तो क्या किया जाए। दोनों का काफी समय से मार्केट घूमने का प्लान भी बन रहा था पर बार बार वो कैंसिल हो रहा था। अब इस बीच फाइनली 2 बज जाते हैं। 2 बजे जज साहब का बेटा ध्रुव कहता है कि मम्मी मार्केट चलते हैं सेक्टर 49 के आर्केडिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जहां से उन्हें कुछ सामान भी खरीदना था। अब जज साहब की पत्नी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। सेक्टर 49 निकलने के लिए जज साहब की पत्नी सबसे पहले ड्राइवर को इन्फॉर्म करती है कि गाड़ी निकाल लो। अब जैसे ही ड्राइवर गाड़ी निकालता है, PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रेडी होकर गाड़ी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। जज साहब की पत्नी रेनू और उनका 18 साल का बेटा ध्रुव आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब गाड़ी निकल पड़ती है आर्केडिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेक्टर 49 की तरफ। तकरीबन 3:05 दोपहर गाड़ी पहुंच जाती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर। अब जज साहब की पत्नी और बेटा गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर शॉपिंग करने के लिए दुकान पर चले जाते हैं। हालांकि जज साहब की पत्नी और बेटा अक्सर जब शॉपिंग करने जाते थे तो 1 से 2 घंटे का समय तो मिनिमम लग जाया करता था, कई बार 3 घंटे 4 घंटे का समय लग जाया करता था, पर इस बार जब वो शॉपिंग करने गए तो तकरीबन 15 मिनट में ही वो वापस आ गए। 3:05 पर वो शॉपिंग करने के लिए निकले थे और 3:20 पर वो वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। अब जैसे ही जज साहब की पत्नी और उनका 18 साल का बेटा ध्रुव गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ा, तभी वहां पर मौजूद उनके सुरक्षाकर्मी पर्सनल सिक्योरिटी अफसर महिपाल ने जज साहब के बेटे ध्रुव पर गोली चला दी और गोली सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर में मारी गई। सिर में जब गोली चली, सोचने का किसी को समय नहीं मिला, बैक टू बैक दूसरी गोली भी जज साहब के बेटे के सिर में मार दी गई। अब जैसे ही ध्रुव नीचे गिरने लगा, तभी तीसरी गोली जज साहब के बेटे के कंधे पर जाकर लगी। कुल मिलाकर 3 गोलियां जज साहब के बेटे ध्रुव को मारी गई, वो भी बीच सड़क में, जो कि एक बिजी रोड थी, वहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी। अब जज साहब की पत्नी रेनू भी वहां पर मौजूद थी, जो कि सब कुछ देख रही थी, पर सब कुछ पलक झपकते ऐसे हुआ कि जो सेकंडों में ही हो गया। उनकी पत्नी को कुछ सोचने का समय नहीं मिला, कुछ रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला, और तभी अचानक से सुरक्षाकर्मी महिपाल ने जज साहब की पत्नी पर भी सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। बैक टू बैक 2 बार जज साहब की पत्नी पर गोली चलाई गई। एक गोली जज साहब की पत्नी के पेट में जाकर लगी, दूसरी गोली जज साहब की पत्नी के सीने में जाकर लगी, वो भी एकदम से नीचे गिर गई। अब जज साहब की पत्नी और उनका बेटा ध्रुव नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जिस सुरक्षाकर्मी ने, पर्सनल सिक्योरिटी अफसर महिपाल ने ये गोलियां मारी थी, वो गोली मारने के बाद जज साहब के बेटे ध्रुव को शैतान कह रहा था और जज साहब की पत्नी रेनू को शैतान की मां कह रहा था। इससे साफ पता चलता था कि जो सुरक्षाकर्मी था वो जज साहब की पत्नी और बेटे से कितनी नफरत करता था।
अब इसके बाद जब जज साहब की पत्नी और बेटे जमीन पर पड़े होते हैं तो ये सुरक्षाकर्मी उनके बेटे को जमीन से उठाकर कार में घसीटने की कोशिश करता है, पर वो इस कोशिश में नाकाम होता है। हालांकि इस पूरे मामले में एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोगों का कहना है कि जब जज साहब की पत्नी और उनका बेटा शॉपिंग करके कार की तरफ आए तो सबसे पहले सुरक्षाकर्मी ने जज साहब की पत्नी को गोली मारी, उनको दो गोलियां मारी। इस बीच जज साहब का 18 साल का बेटा सुरक्षाकर्मी से भिड़ने लगा, दोनों के बीच में हाथापाई हुई और उसके बाद फाइनली सुरक्षाकर्मी ने जज साहब के बेटे को 3 गोलियां मार दी। अब इसके बाद यहीं पर ही सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जज साहब के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर महिपाल ने जज साहब के बेटे ध्रुव को जूते मारना शुरू कर दिया और उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हालांकि ध्रुव को यह सब कुछ कहां समझ आ रहा था। अब थोड़ी देर बाद जब सुरक्षाकर्मी को यह एहसास हुआ कि अब आगे क्या करना चाहिए तो उसने फौरन अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और जज साहब को फोन डायल कर दिया। उसने फोन पर कहा कि साहब आपकी पत्नी और बेटे को गोली लगी है। इतना कहकर वो फोन काट देता है और इसके साथ ही वो फरार हो जाता है। अब जैसे ही जज साहब को यह खबर मिलती है वहां पर मौके पर जज साहब खुद पहुंचते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आर के सोंधी पहुंचते हैं, इसके साथ ही 2 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं, 1 एडिशनल CGM पहुंचते हैं, इसके साथ ही भारी मात्रा में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। एक हाई प्रोफाइल केस था, पुलिस के अधिकारी किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। अब हुआ क्या, जज साहब का सिक्योरिटी गार्ड फौरन उन्हें फोन करने के बाद फरार हो गया। अब इसके बाद जो बेटा और पत्नी थे उन्हें तकरीबन 5 बजे के करीब गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाने से पहले जज साहब खुद घटना स्थल पर पहुंचे थे जहां पर उनकी पत्नी ने अपने आखिरी सांस लेते हुए उन्हें पूरी घटना कैसे हुई इस बारे में बयान किया था। जज साहब की पत्नी ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में बताया था कि उनके PSO महिपाल ने ही उनके बेटे और पत्नी पर गोलियां बरसाई हैं। 3:25 पर जो PSO है वो घटनास्थल से फरार हो जाता है। अब पुलिस जो है वो पूरे शहर में नाकेबंदी कर देती है, जगह जगह पर नाके लगाए गए और तकरीबन 5 बजे जज साहब के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ग्वाल पहाड़ी रोड पर जब पुलिस की नाकेबंदी हुई होती है तो उस समय जज साहब के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर महिपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस FIR रजिस्टर करती है IPC की धारा 302, IPC की धारा 201 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत। अब जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो तकरीबन 6 चीजें ऐसी होती हैं जो जज साहब के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के सीधे तौर पर खिलाफ जाती है। हालांकि दलीलें जज साहब के PSO यानी सुरक्षा कर्मी की ओर से भी रखी गई थी। जो सबसे पहली चीज है जो उसके अगेंस्ट जाती है और जो सबसे बड़ा सबूत था वो था CCTV कैमरे की फुटेज, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि सुरक्षाकर्मी महिपाल किस तरह से जज साहब की पत्नी और बेटे को गोली मार देता है और उसके बाद उनके बेटे को गाड़ी में घसीटने की कोशिश भी करता है और उसके सिर पर जूता भी मारता है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा सबूत था वो था जज साहब को पर्सनल सिक्योरिटी अफसर के द्वारा इस घटना के बाद फोन किया जाना। उसने खुद फोन करके जज साहब को सूचना दी कि आपके बेटे और पत्नी को गोली लगी है। तीसरा बड़ा सबूत था जज साहब की पत्नी रेनू का डाइंग डिक्लेरेशन। जज साहब की पत्नी ने उनके सामने ही अपने डाइंग डिक्लेरेशन में यानी मरते समय यह बताया था कि हमें गोली PSO महिपाल के द्वारा मारी गई है। और चौथा बड़ा सबूत था जो PSO महिपाल के कपड़े थे उन पर जो खून के धब्बे लगे हुए थे वो जज साहब की पत्नी और उनके बेटे के थे। पांचवा बड़ा सबूत, सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियोस चल रही थी उन सब का संज्ञान माननीय अदालत के द्वारा लिया गया और इसके साथ ही अदालत ने 66 उन गवाहों के बयान भी संज्ञान में लिए जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो पर्सनल सिक्योरिटी अफसर महिपाल था उसकी ओर से भी अपनी दलील पेश की गई, उसका एक अलग पक्ष था। उसका कोर्ट में यह कहना था कि दरअसल जज साहब की पत्नी और बेटा एक पेंटिंग खरीद कर लाए थे जिसे गाड़ी में जब वो रखने लगा तो वो नीचे गिर गई। जैसे ही वो पेंटिंग नीचे गिरी तो जज साहब का बेटा कथित तौर पर नाराज हो गया और हाथापाई पर उतर आया। जब वो हाथापाई करने लगा तो कथित तौर पर जो गोली थी वो चल गई और जज साहब के बेटे को लग गई।
इसी हाथापाई के बीच में गोली जज साहब की पत्नी रेणु को भी लग गई। हालांकि महिपाल की इस दलील को ना तो अदालत ने सही माना और ना ही किसी और ने सही माना। बहरहाल अदालत ने जज साहब के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर को सजाए मौत की सजा सुनाई, यानी डेथ सेंटेंस सुनाया। और इसके साथ ही ये जो घटना हुई, इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में रखा। अगर आईपीसी की धारा 302 की बात करें तो इसके तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है या फिर उम्र कैद दी जाती है और साथ में जुर्माना भी होता है। वहीं आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के साक्ष्य को गायब करने या अपराधी को छिपाने के लिए झूठी सूचना देने के लिए दोषी को 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी होता है। वहीं जो आर्म्स एक्ट की धारा 27 है, वो अगर कोई व्यक्ति इल्लीगली अपने पास वेपन रखता है तो उसे मिनिमम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना होता है। बहरहाल इस पूरे केस से हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें सीखने को यह मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पेशेंस की कमी है तो इस तरह की घटना कभी भी देखने को मिल सकती है। महिपाल का कहना था कि उसे जज साहब के बेटे द्वारा बुरा भला कहा गया, हालांकि माननीय अदालत ने इस बात को नहीं माना। पर 1% अगर यह मान भी लिया जाए कि महिपाल को जज साहब के बेटे ने या किसी और शख्स ने बुरा भला कहा भी, अगर उसके अंदर पेशेंस होता तो गोली चलाने जैसी, हत्या करने जैसी इस घटना को अंजाम ना दिया गया होता और महिपाल को सजाए मौत भी ना होती, उसकी नौकरी बची रहती, उसके पास और भी ऑप्शंस होते, वो कहीं और ट्रांसफर ले लेता। पर नहीं, पेशेंस ना होने की वजह से महिपाल ने हत्या जैसी इस संगीन वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसका फल भी भुगता। इसलिए अपने अंदर हमेशा पेशेंस रखें। आप कितने बड़े पद पर हो, कितने पावरफुल व्यक्ति हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, पर कभी भी अपने पेशेंस को ना गंवाएं। यही एक अच्छा इंसान बनने का भी मूल मंत्र है। जय हिंद।